भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी भले ही साधारण रही हो, लेकिन गेंदबाजी वाकई में अव्वल दर्जे की रही। इस मुकाबले में जीत की दुआएं भारतीय टीम के समर्थक ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी टीम भी मांग रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम एशिया कप से बाहर हो जाती है। अगर भारतीय टीम आज इस मुकाबले को हार जाती तो वही भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने भारत के लिए दिल जीत लेने वाली बात कही है और कुछ ऐसा कहा जैसे सुनकर आप भी सलाम करेंगे। तो चलिए बताते हैं पूरे बयान के बारे में, लेकिन आप भी अगर भारतीय टीम की जीत से पूछे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और श्रीलंका के बीच इस मुकाबले का टॉस रोहित शर्मा ने जीत के पहले बल्लेबाजी चुनी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद आक्रामक टीम को शुरुआत दिलाई। दोनों ने 11 ओवर में 80 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। उसके बाद उल्टे हाथ के गेंदबाज वेलालागे आए तो विकेट्स की छड़ी थी, उन्होंने लगा दी। पहले शुभमन गिल को उन्होंने पहले ही ओवर में 19 रन के स्कोर पर बोल्ड मार दिया और उसके बाद विराट कोहली को 3 रन के स्कोर पर कैच आउट कर दिया। भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा, जो कि 48 गेंद में 53 के स्कोर पर बोल्ड हो गए। भारत ने 91 के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए। उसके बाद ईशान किशन और केएल राहुल ने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की और एक अर्धशतक की साझेदारी भी करी, लेकिन उसके बाद केएल राहुल 39 रन बनाकर आउट हुए तो 5वें विकेट के रूप में ईशान किशन भी सिर्फ 33 रन ही बना सके और यहां से पारी बुरी तरह फिर एक बार लड़खड़ा गई। इसके बाद पांड्या 5 रन बनाकर आउट हुए तो जडेजा भी सिर्फ 4 रन ही बना सके। 39 ओवर में 178 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 213 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम के ऊपर भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। शुरुआत में 2 विकेट जसप्रीत बुमराह ने निकाले, उसके बाद 1 विकेट मोहम्मद सिराज ने निकाला। 25 रन के स्कोर पर 3 विकेट हो चुके थे। उसके बाद 2 विकेट कुलदीप यादव ने निकाली तो 1 विकेट रविंद्र जडेजा ने और श्रीलंका की टीम की कमर तोड़ दी। लगभग 100 रन के स्कोर पर ही 6 विकेट गिरा लिए थे और उसके बाद भारतीय टीम ने मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए जीत हासिल कर ली। भारतीय टीम की इस जीत के बाद पाकिस्तान की उम्मीदें एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के लिए जिंदा हो चुकी है, लेकिन भारतीय टीम की जीत के बाद बाबर आजम का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, वास्तव में भारत ने आज जिस तरह की क्रिकेट खेली है उसे देखकर मजा ही आ गया। जब भारत ने 213 रन पर अपने हाथ पैर डाल दिए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी और हमारा सफर भी एशिया कप से खत्म हो जाएगा, लेकिन इतने छोटे स्कोर को डिफेंड करने में भारतीय गेंदबाजों का काफी ज्यादा अहम रोल रहा है। भारतीय टीम की गेंदबाजी अच्छी है, जसप्रीत बुमराह हो या फिर कुलदीप यादव, शानदार गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम इस मुकाबले को जीती है। आज हमारी टीम और हमारा मुल्क भी भारतीय टीम के लिए जीत की दुआएं कर रहा था, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि भारत और पाकिस्तान की टीम फिर एक बार फाइनल मुकाबले में भिड़े, लेकिन आज भारतीय टीम ने अपनी गेंदबाजी से मुकाबला को जीतकर हर एक पाकिस्तान का दिल जीत लिया। इस तरह से बाबर आजम ने भारतीय टीम की जीत पर दिल खोलते हुए अपनी बात कही। लेकिन आप सभी टीम इंडिया की जीत को 10 में थे कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।